आपको दिखाना चाहता मन क्या होता है? हूं। हाँ जी, आज हम लोग समझेंगे माय लाइफ स्टाइल का डायमंड क्या होता है और आप डायमंड कैसे बन सकते हो, उसके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। ले तो मैं पहले आपको एक दो डायमंड से मिलवाता हूं, आप उनसे मिलिए, उनको सुनिए और फिर ये देखिए कि एक्चुअली जो डायमंड होता है माय लाइफ स्टाइल का, वो क्या क्वालिटी होती है, क्या इनकम होती है, क्या लाइफ स्टाइल होती है। आप पहले कितना थोड़ा पैसा सा कमा रहे हो मंथली? राइट, दस लाख प्रॉफिट जनरेट कर रही हूँ उसके क्या बाद करके? आप मैं डायमंड कुछ कैसे भी नहीं बनाओगे, करती हूँ, उसके लिए ऐसा आज क्या हम कर रहा बात हूँ और फिर भी 10 लाख रुपए प्रॉफिट हर मंथ? आप सुनने के लिए तैयार हो सर को? जोरदार तालियों के साथ में मैं हैंड ओवर करता हूं डायमंड एग्जीक्यूटिव सीएन पटेल सर को। थैंक यू वेरी मच। याहू, आज आप लोगों को मैं ये दिखाने वाला हूं एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग का डायमंड क्या होता है, और फिर आज मैं आपकी डायमंड की फाउंडेशन तैयार करवाने के लिए काम करूंगा। जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आज अगले आधे घंटे के लिए आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट यहाँ कर लीजिए, क्योंकि आज आपकी डायमंड शेप की फाउंडेशन मैं तैयार करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले तो सुनते हैं एक दो डायमंड को, फिर फाउंडेशन कैसे तैयार होगी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। All our distributor not case, so I want to big clapping for management. Jordan Dali! Hello! Friends, welcome to all distributors and leaders and management. First of all, मुझे खुशी की बात है, जोरदार ताली होना चाहिए दिल से हमारे गॉड फादर। मुझे नाम लेते हुए गर्व हो रहा है कि जिसके हिसाब से जो कुछ मैं बना हूं उसमें अगर किसी को श्रेय जाता है तो मैनेजमेंट को श्रेय जाता है। तो आज मैं हमारे गॉड फादर रिस्पेक्टेड प्रवीण जी चंदन सर के नाम पे अपनी जगह पे खड़े होके एक ताली चाहूंगा। दोस्त प्लीज सब लोग अपने हाथ पकड़े और म्यूजिक सॉन्ग प्रवीण सरनी, प्रवीण सरनी, यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक योर सीट। फ्रेंड्स, मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, स्ट्रेट वे जाने की कोशिश करूंगा। आज हमारे बीच में सबसे पहले खुशी की बात यह कि मैनेजमेंट की पूरी लेयर, एआरएम, आरएम सर, ये आप लोगों ने देखे एक डायमंड है सीएन पटेल जी, जो कि अपनी टीम का एक्चुअली ये इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये क्या है? ये इनका डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट? तो मैं इनकी सक्सेस स्टोरी थोड़ा सा आपको सुनवाना चाहूंगा। नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ नटवर में बी पटेल, सी एन पटेल फ्रॉम गांधीनगर गुजरात, डायमंड एग्जीक्यूटिव एंड आईटीसी प्लेटिनियम, फर्स्ट डायमंड इन गुजरात, फर्स्ट आईटीसी, फर्स्ट सीटीसी, फर्स्ट एनटीसी। मैं मेरा लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस में जो कुछ भी जर्नी हुआ है वो जर्नी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। हकीकत यह है कि जख्म वही रहता है लेकिन उसको सहने की आदत हो जाती है। उस तरह का मेरा जिंदगी का एक रियल स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हो मेरा मकान है जहां पे मेरा बचपन गुजरा था, मेरा गांव रिपड़ी, तालुका विरंगम, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। प्राइमरी तक मेरा एजुकेशन मैंने वहां पे कंप्लीट किया, उसके बाद गांव में स्कूल नहीं था तो मुझे तालुका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना पड़ा। मैंने 10वीं स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद लोग क्या करते, हर लोग नौकरी ढूंढना शुरू करते, मैंने भी शुरुआत कर दिया। तो मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल गया डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। एक साल गवर्नमेंट जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब मैंने शुरुआत किया और ये मेरा एक छोटा सा पगार स्लिप है, 1102 रुपया मेरा पहला। दोस्तों, नौकरी करता था,
नौकरी करने वाले लोगों को रिटायर हुए भी देखता था। ये सब कंडीशन देखने के बाद मुझे लग रहा था कि क्या मुझे भी यही करना पड़ेगा। तो अंदर से कुछ करने की तमन्ना उस दिन से एक छोटा सा बी अंदर बोग दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी जिंदगी गुलामी में बिताऊं, क्योंकि उस वक्त पे मैं जो देख रहा था नौकरी में रिटायर होने वाले की कंडीशन, वही कंडीशन से लेके मेरा दिल नहीं मानता था। और मैंने नौकरी फिर भी शुरू किया और नौकरी में मैं गांधीनगर में मेरा ट्रांसफर हुआ, जो आपके सामने मकान दिख रहा है। वहां मैंने कुछ साल यानी कि 1993 से लेकर 1999 तक वो मकान में मैं रहा। सवाल ये है दोस्तों, 93 में मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लिया और बहुत बड़ा कर्जे में आ गया, और 93 में मैं मोर देन 4 लाख रुपीज का कर्जे में डूब गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बिजनेस किया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, वहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उधार से लेके इन्वेस्टमेंट किया था, मैं पूरा फंस गया। मुझे कोई किनारा नहीं दिखता था, कोई आशा नहीं दिखती थी, क्योंकि मेरा जितना सैलरी था उससे ज्यादा तो मेरे को इंटरेस्ट हर महीने का देना पड़ता था। मेरे पास जो कुछ बेचने लायक था, जो कुछ भी मेरे पास चांस था पैसा लाने का, सब जगह से मैंने चांस ले लिया था। आपको मालूम है कि जब भी आपके पास पैसा नहीं रहते तो अपने घर वाले बाहर वाले लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार में मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल गुजरा। और एक बंदे ने मुझे कुछ बताया, मैं भी कुछ पार्ट टाइम करना चाहता था लेकिन मेरे पास कुछ चांस नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। देखो वहां पे जिंदगी में दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या संघर्ष करो। मेरे पास दो ही ऑप्शन था। मेरा परिवार में मेरा 2 बच्चा छोटा था, मेरी उम्र भी छोटी थी, कभी कभी डर लगता था अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये डर ने मुझे मजबूर किया और भी काम करने के लिए। दिल की तमन्ना, दिल से मैं नहीं हारा था, पैसे से हार गया था लेकिन दिल से मैं नहीं हारा था। उस वक्त पे मैंने अपने आप को शरीर को टिकाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए रिगार्डिंग एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था उस वक्त। और हुआ ऐसा 1996 में नवंबर में मुझे ये, उस वक्त पे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते थे, चेन सिस्टम का यूज करते। एक बंदे ने मुझे कुछ बिजनेस बताया 96 में, मैंने काम करना शुरू किया। नवंबर का मेरा 96 का इनकम निकला 9,300 रुपया, उसमें से पहले मैंने एक बैग परचेस करी, उस टाइम पे मैं बैग लिया। दिसंबर में मेरा इनकम निकला, मैंने पूरा नौकरी में 100% छुट्टी ले ली और मुझे समझ में आ गया कि ये जगह ऐसी है जो मुझे कर्जे में से बाहर निकाल सकती है। 96 में मेरा इनकम हुआ 53,000 और उस वक्त मैंने 100% 85 day का छुट्टी लेना गवर्नमेंट में स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट से मेरा नोटिस भी आया कि आप इतना छुट्टी क्यों ले रहे हो। मकसद क्या था मेरा? कर्जे से बाहर निकलना। मेरा मकसद घोड़ा गाड़ी आती कुछ नहीं था, कर्जे से बाहर निकलू मेरी जिंदगी बच जाए, मेरा पर्पज एक ही था इस बिजनेस के पीछे। लेकिन आगे क्या होगा मुझे कुछ उस वक्त पे मालूम नहीं था, मुझे अच्छा ही दिख रहा था। हुआ कुछ ऐसा 96-97 में, जनवरी से दिसंबर तक साल चलता था इस कंपनी में, सेशन सिस्टम चलता था। मैंने 6,22,000 रुपए का रिटर्न फाइल किया जो आज मेरे पास है, यानी कि मैं पूरा कर्जे से बाहर निकला। और कर्जे से बाहर निकलने के बाद 19/4/97 में मैंने पहला कार परचेस किया, उसका 1,41,000 का एक कार मैंने लिया था, उसका नंबर है 761। इस कार से और भी मैंने मेहनत करना शुरू किया। हुआ कुछ ऐसा 99 और 2000 में पूरा कंपनी फिर से एक बार गाइस यहाँ पे अभी कुछ डिवाइस रखे देख रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी जीरो हो गया, मेरा इनकम, मैं सर्वाइवल हो सकूं ऐसा इनकम भी नहीं रहा। देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वहां से मैं हिम्मत नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मुझे मालूम था कंपनी चलती थी लेकिन कंपनी पूरा कॉलेज होकर फिर से लेवल स्टार्ट किया, मैं भी कंपनी के साथ जुड़ा रहा, लगा रहा। 2002-2003 में कंपनी थोड़ा हाइट पे आ गई। उस वक्त मेरा इनकम था महीने का 71,000 का एवरेज निकला था 2002 में, और मैंने एक मकान परचेस किया गांधीनगर सेक्टर 3 में 8,85,000 का, और कंप्लीट करते करते मुझे 10,30,000 में पड़ा। उस वक्त पे मैंने लोन नहीं लिया था, मेरे पास 3-4 लाख रुपए की सगवड़ थी, बाकी का दोस्त लोग से उधार लिया। तो 2002 में मकान लिया, मकान का पैसा जो कर्जा था वो चुकाते गया। बाद में मैंने एक वेगन आर लिया, उसकी कीमत 3,03,000 रुपये हो गई, वो लोएस्ट मॉडल था लेकिन वेगन आर था। तो मैंने कार चेंज किया 2004 में, मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। 2006 में पूरा कंपनी फिर से एक बार कॉलेज हुआ, यानी कि कंपनी बिक गई, हराजी हो गई। हराजी का मतलब आप लोग समझते।
जहां पे कंपनी की हराजी होगी तो वहां पे फ्यूचर मुझे दिखा नहीं, तो मैंने मैनेजमेंट के पास ऑनेस्टली मैं एमडी के पास जाकर बैठा और मुझे बुला के सर मैंने 10 साल काम किया आपके साथ, 10 साल का मैंने सर्वे निकाला रहने के लिए और 2-3 लाख रुपया के और मेरे पास कुछ नहीं है, अगर जिंदगी का और भी 20 साल निकल गया इस तरह से तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता, मुझे बड़ा पैसा चाहिए और मुझे यहाँ बड़ा पैसा दिखता नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद 31 जुलाई बाद में फरवरी से लेकर मैं कंपनी की शोध कर रहा था, कौन सी कंपनी में काम किया था, बहुत कंपनी का स्टडी किया, स्टडी करते 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 एक बार हरीश सेठीकर साहब को मेरे कंपनी में बुलाया था, लेके कोई लेके आया था, मैंने वहां से उसको निकाल दिया था, ये सब झूठ है। फिर से मैंने कंपनी का शुरुआत किया स्टडी करने का, अलग अलग नेटवर्क कंपनी का मैंने ब्रोशर मंगाया, उस वक्त पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। स्टडी करने के बाद एक कंपनी मैंने चूज किया, माई लाइफ मैनेजमेंट। 31 जुलाई 2006 में मैंने इस बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में एसोसिएट हुआ और अलग तरीके से, मतलब अलग तरीके, मतलब पहले हफ्ते में मैंने 104 लॉगिन किया था ORG 1 में, 50 ORG 2 में, 54 फर्स्ट मंथ में मेरा जॉइनिंग था 450 प्लस, सेकंड मंथ में 500, थर्ड में 550 और थर्ड महीने में मैंने इस कंपनी का सीलिंग मारा था, मैं सीलिंग टच हो गया था। 3 महीने तक मुझे मालूम था उसके लिए क्या करना चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट, एक ओवर रिस्क लेके कैलकुलेटेड रिस्क बहुत लिया, जितने भी गुजरात में जहां भी हमारा BOP चलता था उस वक्त हम BOP के बारे में बताते थे, वहां पे 100% नो एंट्री और खाने पीने के साथ हमने 3 महीने का एक प्रोजेक्ट बनाया, लोगों इतने आने लगे, इतनी ज्वाइनिंग आने लगे, तो पहले महीने का मेरा इनकम, मेरा पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा फर्स्ट मंथ का इनकम हुआ, जहां पे मैं 50 नहीं कमाता था, जिस कंपनी मैंने छोड़ा उस कंपनी के साथ 3 बार जीरो हुआ और मैं जब मैं छोड़ा उस वक्त पे लास्ट महीने का मेरा इनकम 45,000 था। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं होता था, कि उन सभी चीज से मैं कभी हारा नहीं हूं। और बाद में मैंने जब माई लाइफ शुरू किया तो मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हर्डल्स रहता है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, अगर जिंदगी आसान होती है तो वो लाइफ नहीं होती, अगर आसान जिंदगी वाले कभी जिंदगी में जीत नहीं पाते। इंपॉर्टेंट ये है, जब प्रॉब्लम है तो आप क्या डिसीजन लेते हो, बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, वही बिजनेस माई लाइफ के एसोसिएट साथ एसोसिएट होने के बाद 31 जुलाई 2006 के 1 साल के बाद मैंने नियर बाय 1 करोड़ का इनकम टोटल 7 ID में जॉइंट इनकम क्लियर कर लिया। उसके बाद एक सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा जुंडाल में और उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रोग्राम, मैं चाहता था कि मुझे एमडी से बात करना है, एमडी से मिलना है, एमडी से जुड़ाना है, तो मैंने वाया वाया कॉन्टेक्ट करके भी एमडी साहब को पहली बार कंपनी का गांधीनगर के टाउन हॉल में एक फंक्शन किया 1 साल के। दूसरी बात, उसके बाद मेरा इनकम बढ़ता गया, मैं होंडा सिटी लिया, पुराना मॉडल जो पहला चलता था, बाद में नया मॉडल आया VTEC, बाद में दूसरा VTEC लिया, मैंने 2 गाड़ी चेंज किया, होंडा सिटी, बाद में एक स्पार्क लिया, गाड़ी में आपने आगे बढ़ता गया, लेकिन वो होंडा सिटी के बाद मैंने तरीका बदला, मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पैसा था, मैं एक खेडूत पुत्र था तो मैं जमीन में आगे बढ़ा, बहुत लोग बढ़ते थे, जब ये मार्केट में जब तेजी आई उससे कहीं समय पहले लोगों को मालूम नहीं था 1 बीघे में कितना गुंठा आता है, 99% लोगों को मालूम नहीं था, तभी मैंने जमीन लेना शुरू किया 50,000 से लेकर जो आज मेरे पास है, ये आपके सामने जो दिख रहा है वो 7 बार का अरविंद सरकार का नकल है और ये सब पैसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग से कमाया था, माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट होने के बाद कमाया था, ये 2, 2, 4 और ये 5, 5 फार्म्स आज मेरे पास है, 100% मेरे नाम पे ही है। और ये फार्म का आपको जो फोटो दिख रहा है वो फार्म का फोटो है, मेरा बेटा संजय है उसमें, ये एक्चुअल फार्म का फोटो है। उसके बाद मैंने एक मकान बनाया, ये मकान बनाया मेरे घर पे, उसके बाद ये घर पे हरीश सेठीकर साहब भी आए हैं मकान में मेरे गांव पे, और ये उसके बाद मैंने एक मकान लिया 2010 में 11वां महीने में, कीमत 7 आंकड़े से प्लस उस टाइम पे था, ऑनेस्टली आज का उसका कीमत ये एज पर सुपर बिल्डअप 2 196 बार का प्लॉट है, 1 बार का 60,000 से 70,000 रुपया आज पास में रेट है, आप काउंट कर सकते हो। 2010 में मैंने मकान बुक कराया, 2014 में मकान के अंदर आया, जो आप दिख रहे हैं वो मेरा बैठक रूम है और ये मेरा फैमिली है और इस मकान में मेरा बेटा का मैंने शादी किया। उसके बाद मैंने ऑफिस परचेस किया, उसके बाद मैंने दूसरा मकान कंप्लीट बनाया, उसके बाद ये मकान को मैंने रिनोवेट किया, उसके बाद मैंने जिस तरह से हम बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करके मेरा गोडाउन जो दिख रहा है वो मेरा मालिक का गोडाउन है, वो माल भी मेरा है और मेरा एक पे अंश में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट से भी मुझे इनकम मिल रही है।
उसके बाद मैंने पूरे इंडिया में सिंगापुर सिंगापुर क्रूज, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, दुबई, नेपाल, बैंकॉक, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और कजाकिस्तान, पूरा 13 से 14 कंट्री में मैं गया और उसमें से 50% कंट्री में, यानी कि सिंगापुर क्रूज, हांगकांग, मकाऊ, दुबई, नेपाल, ये सब चीज में मैं फैमिली के साथ घूमा और डोमेस्टिक टूर 14 टूर किया, डोमेस्टिक 14 टूर किया, जहां से मैं 5 नाइट से लेके 12 नाइट रुका हूं, ऐसा ही टूर किया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास VIP ट्रीटमेंट के साथ किया। तो जिंदगी में जो लोगों का सपना होता है, ये जो जो हम सोचते हैं, वो सब मैंने करने की कोशिश किया और माय लाइफ मैनेजमेंट के साथ मेरा इतना ग्रो हुआ कि जो मेरा लाइफ में अंदाज नहीं था, लेकिन मैसेज ये है मेरा, मैं कभी रुका नहीं, इतनी मुसीबतों के बाद मैं रुका नहीं हूं। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको कर्म अच्छा करना। उसके बाद कंपनी ने मुझे, जब हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का लॉन्चिंग हुआ, तो फर्स्ट कोर कमेटी में मेरा नाम शामिल किया कंपनी ने मुझे, थैंक्स टू हार्वेस्ट, थैंक्स टू मैनेजमेंट माय लाइफ एंड थैंक्स टू हरीश। पहली कोर कमेटी में मेरा नाम शामिल किया और मैं हार्वेस्ट की ओर से मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, कुछ प्रोग्राम देने का मौका मिला और मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैं आगे 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 मैं सीखता गया। दोस्तों होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेते तो एक जैसी तिखली की माचिस की तिलिया हो सकता है कुछ दिया जलाती है और कुछ घर भी जलाती है। सब कंडीशन देखते हो, सबको फेस करते करते आगे निकला। तो दोस्तों मैसेज मेरा आया है कि आप में अगर काम करने का जज्बा है, काम करने का दिल है, काम करने का विजन है, काम करने का लक्षांक है आपका, कोई भी अगर आप नीति के साथ चल रहे हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई नहीं रुक पाएगा। मैं आज दिन तक जिंदगी में 4 बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 0 हुआ हूं वहीं से, लेकिन सवाल है मैं हारा नहीं है। तो मैसेज ये है, सिर्फ आप टिके रहना, अभी अंदाज नहीं आएगा, 1 साल 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। मेरा मैसेज ये है, अप एंड डाउन जब आता है तभी एक बात याद रखना, वो आपको सिखाने के लिए आता है। अप एंड डाउन कभी आपको परेशान नहीं करता, लेकिन अप एंड डाउन जब आता है तब आप क्या डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग आत्महत्या करने का डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। मैं एक मेरा डिसीजन के बारे में बात बताऊं, आज से करीबन 6 महीने पहले कुछ मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी कि मुझे और भी डेवलपमेंट करना है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी, मुझे और डेवलपमेंट करना है, तो मैंने हरीश सर से फोन किया, हरीश सर डायमंड बनना है, तो मुझे जॉब मिला कि नटू भाई बन जाओगे। अरे सर एक बात में बन जाओगे, एक शब्द में कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगी, आपने सोच लिया बनना है तो सब कुछ भी करो डायमंड बनना है। लेकिन एक शेयरिंग में मैंने सुना था एक बंदे को जो अमरल था, उसने बोला था मैं डायमंड बन जाऊंगा, वो डीएस पटेल, उसको देख के उस वक्त पे मेरे दिमाग में गांठ वाली, मैं 2 साल के अंदर डायमंड सीख कर सीख। वो ही नहीं, आज से 6 महीने पहले और भी मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी, कुछ मेरे गुरु लोग ने बताया नटू भी और डेवलपमेंट करो, तो मैंने सोचा और मेरा बेटा संजय की मदद लेके हमने आज से 6 महीने पहले एक नया ITC बनाने का डिसीजन लिया और जर्नी क्या हुआ, 4 महीने में 23 लाख रुपए का मैचिंग। और जब ये लॉकडाउन के समय पे वीक नंबर 350 में उसका स्टेटमेंट था, 4 लाख बीबी मैचिंग था वीक का, और मेरा टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट था और 100% होके रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब, कोई भी अप एंड डाउन जिंदगी में आता है तो इंपोर्टेंट ये नहीं है अप एंड डाउन क्या है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट ये है कि अप एंड डाउन में आप क्या सोचते हो। अप एंड डाउन के बाद एक लोग आत्महत्या करते हैं, एक लोग टॉप पे जाते हैं। तो मेरा इस जिंदगी की कहानी देखो, और मेरी जिंदगी की, मैंने मेरा गहना भी बेच दिया था, उसका सबूत चाहिए ना आपको, ये पूरा स्टोरी मिस्टर आरडी पटेल, मिस्टर एसके पटेल, नितिन एंड माय वाइफ सीएन पटेल, रंजन एंड मधुबेन जानते हैं, तो ये वंश है वो साथ में, उसको मालूम है स्टोरी, एक पॉइंट भी उसमें गलत नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब, नेवर लॉस्ट करेज एंड फॉलो योर लीडर्स। दोस्तों याद रखो, इतनी जर्नी का जो सक्सेस एक्सपीरियंस है, जो आपको 10 साल के बाद जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो मुझे 10 साल पहले आ चुका है। इतना 25 साल का मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, और आज नतीजा क्या है मेरा, सर इस बिजनेस में मेरे पास सेलेबल आज का रेट का प्रॉपर्टी करोड़ों रुपये का है।
करोड़ों रुपए का है और ऑलमोस्ट मेरी कोई भी जगह पे मैंने लोन नहीं लिया है। हाँ, गवर्नमेंट का रूल है, आप 2 लाख से कैसे ज्यादा नहीं दे सकते। गाड़ी लेने के लिए जाते तो आपको डीडी लेने बैंक का डीडी दिया और बैंक में पेमेंट कर दिया। जितना भी इतना मकान इतना जमीन मेरे पास, 3 बड़ा अच्छा मकान है, 4 BHK बंगलोज है, कीमत मैं नहीं बता सकता अभी। मेरे पास 4-5 फार्म है जो मेरा पर्सनल है, 1 फार्म में पार्टनरशिप है, उसके बाद मेरा खुद का 2 दुकान है, उसके बाद मेरा गांव में प्लॉट है, उसके बाद मेरा एक छोटा पुराना मकान है। ये सब जो कुछ भी है और फादर का जो मिल्कत है जमीन का, वो साइड है उसके अलावा। तो इतना पैसा मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने दिया। अगर 5 साल लास्ट में माई लाइफ की बात करूं दोस्तों, माई लाइफ का हमने बहुत ही जल्दी से शुरुआत किया, बहुत ही तेजी से शुरुआत किया आफ्टर वीक नंबर 150 यानी के 2016 से 2020 में बहुत ही बढ़िया मेहनत, रात दिन मेहनत किया और इतना पैसा कमाया जो 20 साल में जितना पैसा कमाया था नहीं, लास्ट 2 साल में उतना बचत किया। मेरा एक गुरु ने मुझे ये भी बताया था, नंटू भाई कितना पैसा कमाते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज आपके पास क्या है वही स्लोगन से मैं बोल रहा हूँ। 2 साल में मैं इतना पैसा मुझे मिला, लास्ट 20 साल में नहीं मिला। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन याद रखना, बुरा टाइम होता नहीं है, टाइम वही रहता है, लेकिन हमको झेलने की आदत बन जाती है। आप सोचते क्या हो, अगर कोई झरक आता है, कोई तूफान आता है, तो वो सिखाने के लिए, हर तूफान में मैंने मैसेज लिया है, हर प्रॉब्लम में मैंने मैसेज लिया है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जितने मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उतना भाई बहनों, आप जिंदगी में कभी हार ना मत। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो माई लाइफ आपको बिजनेस होगा, वो एक आपकी जिंदगी बदलेगा, एक जिंदगी बदलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा एक भी सेंटेंस 1% भी उसमें से कम नहीं मिलेगा। आप बहुत लकी है, जहां भी हमने शुरुआत किया तो आपको इतना साल निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस वक्त पे गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था, जिस तरह से नेटवर्क के नाम पे लोग बहुत कुछ गलत भी कंपनी आती थी, लोगों को लूट के चली जाती थी, मार्केट को फेस करना पड़ता था। आज तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 लीडर है, नंबर 1 मैनेजमेंट है, नंबर 1 हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, गलती मत करना और आज से लेके आपकी सोच को बदल दो। मैंने इस शॉर्ट में पूरा स्टोरी नहीं बताया है, लेकिन मेरा जितना दर्द भरी स्टोरी था, 10 रुपये एक दिन नहीं था, वो दिन भी मैंने देखा है। मैंने शॉर्ट में स्टोरी बताया और मैसेज एक है, आपकी जिंदगी बनेगी, आप टिके रहना और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जय माय लाइफस्टाइल, जय हार्वेस्ट, जय हार्मनी। थैंक यू। कैसी लगी आपको सक्सेस स्टोरी? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि माय लाइफस्टाइल में डायमंड बनना है? अब सीएन पटेल सर को सुनने के बाद मैंने आज आपको एक डायमंड को सुनवाया और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगले 1 महीने तक आपको रोज एक डायमंड को सुनवाऊं। मैं आपको अगले ये दिसंबर, ये आज तारीख हुई है आपकी 6, मैं अगले 24-25 दिन मैं आपको रोज एक डायमंड को सुनवाऊंगा, रोज। और आपको मैं दिखा दूंगा कि एक्चुअली माय लाइफ स्टाइल का डायमंड होता क्या है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल से, सीरियसली आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कौन कौन व्यक्ति है जो डायमंड बनना चाहता है और वो बनने के लिए फाउंडेशन आपकी 2023 में हम तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे पास 24 दिन है और ये 24 से 25 दिन में हम आपकी डायमंड बनने की फाउंडेशन डाल सकते हैं। लेकिन पहले पता तो चले कि तैयार कौन कौन है फाउंडेशन डालने के लिए, नींव भरने के लिए कौन कौन तैयार है डायमंड शिप की। मैं तो तैयार हूं भाई, मेरा कहां है हाथ वात भाई, खड़े हो जा जल्दी से। ये लो, डायमंड शिप की नींव डालने के लिए, डायमंड शिप की नींव कैसे डलेगी वो मैं आज आपको बताता हूं। नींव देखिए, जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो प्लॉट खरीदने के बाद उसमें मकान बनाने के लिए खरीदते हैं प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्लॉट खरीदा, उसमें मुझे मकान बनाना है, तो राघव जी सबसे पहले हम मकान बनाने के लिए क्या भरते हैं उसमें? फाउंडेशन, नींव। उसमें ना एक फाउंडेशन तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है फाउंडेशन? उसमें हम लोग, जैसे ये हमारा प्लॉट है, राइट ना, तो प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं,
प्लॉट में हम लोग नींव बन के डाल देते हैं कि ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बाथरूम है, और इस तरीके से फाउंडेशन बना के डीपीसी डाल देते हैं उसके ऊपर, मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग हो जाती है, नहीं हो जाती, डीपीसी डल जाती है। और फिर कोई भी आता है देखने के लिए मकान, तो बताते हैं कि ये बेडरूम है, ये किचन है, ये हॉल है, ये ड्राइंग रूम है, ये लॉबी है, ये कॉमन टॉयलेट है, ये है वो है, हम सब बताते हैं। और वो क्लियरली दिखाई देता है वहां पे, क्यों? क्योंकि वो हमने वहां पे मार्किंग कर दी है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमने वहां पे फाउंडेशन तैयार कर दी है, और हम उस फाउंडेशन के ऊपर ही फिर मकान बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते, आप बताओ? चाहे इकट्ठा बनाए, चाहे टुकड़ों में बनाए, यदि पैसा इकट्ठा होता है तो इकट्ठा बना देते हैं, जिन लोगों के पास पैसा इकट्ठा नहीं होता तो फाउंडेशन तैयार कर देते हैं, पीछे से बनाना चालू करते हैं। पहले पीछे से बनाना चालू करेंगे, फिर उसको धीरे 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 कंप्लीट करते जाते हैं, और आगे को काम चलता जाता है। वैसे ही आप लोग चाहें तो माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग की फाउंडेशन बना सकते हैं ये अगले 24 दिन के अंदर, डायमंड की फाउंडेशन। अब फाउंडेशन बन जाएगी 2023 में, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी 2024, 2025, 2026, 2027, 2028। मतलब कोई भी व्यक्ति अगले चाहे तो जिस तरीके से हम सुन रहे डायमंड्स को, अगले अब ईमानदारी से कोई फाउंडेशन तैयार करके लग जाए तो अगले कोई जीरो से भी चालू करके 4-5 साल में डायमंड बन सकता है। मिनिमम से मिनिमम बोल रहा हूं आपको, 4 to 5 years में कोई आज से काम चालू करके यदि आज फाउंडेशन डाल दे तो भी अगले 4 से 5 साल में वो डायमंड बन सकता है, 100% डायमंड बन सकता है। और माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग के हर डायमंड की, आज जितने भी डायमंड्स हैं माई लाइफ स्टाइल में, 28-30 डायमंड्स हैं, सारे के सारे डायमंड्स की आज एवरेज मंथली इनकम लगभग 1 लाख रुपए रोज है, 1 लाख रुपीज एवरी डे, 1 लाख रुपया रोज। अब मैं आपको बता दूं, डायमंड बनने के लिए आप सोचे होंगे टारगेट क्या है। टारगेट बहुत आसान है, लेकिन वो आसान जब है जब आपका पहिया घूम जाए, जब आपका बिजनेस चलने लगे, जब आपकी टीम खड़ी हो जाए, उसकी फाउंडेशन हम तैयार करेंगे। डायमंड बनने के लिए 4 लेग में 5-5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है, 4 लेग में 5-5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, और आपका अकेले का नहीं, टोटल टीम का, कितना? टोटल टीम का चाहिए होता है 5-5 करोड़, 4 लेग में आप डायमंड बन जाते हो। और ये काम आप 4 से 5 साल में हो सकता है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अब तक कितना हुआ है, अब तक उतना हुआ है, अब तक कितना हुआ है, तो अब आपको ये भी पता है कि अब तक ईमानदारी से मेहनत कितनी हुई है, सिस्टम को फॉलो कितना किया है, ये भी आप जानते हो। यदि आपने सिस्टम को फॉलो किया हो और ईमानदारी से वो किया हो जो किया जाता है, तो आपको सारा कुछ पता होगा। देखिए, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमें सब पता होता है, हम अपने आप को अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, हमारे प्लस माइनस सब हमको पता होता है, हमने कहाँ कहाँ गलती की है, क्या क्या लोचे हमने किए है, क्या क्या गड़बड़ झाला हमने की है, क्या क्या सिस्टम के साथ खिलवाड़ हमने की है, कितना हमने सिस्टम को फॉलो किया है, कितना सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सब जानते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया से छिपाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? लेकिन हमें सब पता है कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। लेकिन डायमंड शेप 100% हमें मिल सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर फेथ है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास है, इसलिए हम इस जूम हॉल में आज बैठे हुए हैं। सबको पता है मैंने गलतियां की है, क्या क्या गलती की है ये सबको पता है, क्या क्या मैंने सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, क्या क्या मैं और बेटर कर सकता था, क्या क्या मैंने नहीं किया, ये सबको पता है। किसने आलस दिखाया है, किसने प्लान दिखाए हैं, किसने पैसा घुमाया है, किसने प्रोडक्ट घुमाए हैं, किसने हाउस मीटिंग की है, किसने हाउस मीटिंग नहीं की है, किसने क्या क्या किया है, सबको सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम लोग इस जूम हॉल में बैठे हुए, तो इसका एक ही कारण है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फेथ है। और ये बात सब जानते हैं कि मैं जिस दिन से लग जाऊं, ये सब जानते हैं कि मैं जिस दिन से लग जाऊं उसी दिन से कारनामा कर सकता हूं, इसीलिए आज सारे लोग इस जूम हॉल में बैठे हुए हैं। तो आज मैंने भी ये सोचा है कि मैं 2023 में आप सब लोगों की डायमंड की फाउंडेशन तैयार करवा दूं, फाउंडेशन तैयार,
मेरी एक ही कहानी है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ। मैंने मैडम से एक ही चीज सीखी है, निशा भारती मैम से, वो हमेशा एक ही चीज बोलती हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बस एक ही चीज, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्लियर कट बात है, बस ये करते जाओ, असफलता को देखो और उसमें सुधार करते जाओ, और छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, जैसा सीएन पटेल सर ने बोला। तो 100% हम भी एक दिन इस बिजनेस में पक्का डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। कोई साल भर में डायमंड बन रहा है, कोई 2 साल में बन रहा है, कोई 4 साल में बन रहा है, सब लोग अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से डायमंड बन रहे हैं। और इस जूम हॉल में जितने लोग भी बैठे हैं, आप सब लोग भी अगले 5 साल के अंदर सब डायमंड बन सकते हो, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। कोई 2 साल में बन जाएगा, कोई 3 में बन जाएगा, कोई 4 में बन जाएगा, लेकिन एक चीज का मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं, जो फाउंडेशन आपकी तैयार करवाई जाएगी अब 2023 में, उस फाउंडेशन के दम पर इस जूम हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल 5 साल में डायमंड बन जाएगा। डायमंड बन सकता है 5 साल के अंदर। अब आप बोलेंगे सर उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना क्या है, डायमंड की फाउंडेशन के लिए क्या करना है? डायमंड की फाउंडेशन के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि आपको 4 लेग ओपन करनी है, 4 लेग्स ओपन करनी है। पहले जब मुझे नॉलेज नहीं थी या समझ कम थी, मैं ये सोचता था पहले 2 खड़ी कर ले तब तीसरी चालू करेंगे, पहले 3 खड़ी, पहले 2 खड़ी कर ले फिर तीसरी करेंगे फिर चौथी करेंगे। आज मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप 4 लेग ओपन कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जिसके 4 बच्चे होते हैं वो पलते नहीं है? किसी के पास 4 बच्चे होंगे? या हम अपने फादर के 4 बच्चे थे, 2 भाई 2 बहन, हम चारों पले कि नहीं पले? जिसके पास 1 होता है वो भी पलता है, जिसके पास 4 होते हैं वो भी पलते हैं, और जिसके पास 10 होते हैं वो भी पलते हैं। जब जितने भी बच्चे होते हैं उतने पलते हैं, तो फिर हम लेग्स डेवलप क्यों नहीं कर सकते? यदि आज हम 4 लेग में, यदि हमारे 4 बंदों को डाल के, यदि हम उन 4 बंदों को सुबह ट्रेनिंग में लेके आना चालू कर दे, तो आप मुझे बताइए क्या लगता है वो 4ों बंदे आगे नहीं बढ़ेंगे? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप हो, चाहे कमलवीर जी है, चाहे कृष्णा जी हैं, चाहे लाल कृष्ण जी है, चाहे राजकुमार जी हैं, जो भी हैं, आप लोग मुझे बताइए, आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप किसी न किसी की 1 लेग हो या नहीं हो? आप किसी की तो 1 लेग में हो ना। जब आप किसी की 1 लेग में हो और आप सीख रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो, आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो ऐसे ही यदि 4 लोग आपके, यदि 4ों लेग से 4 लोग यदि आपके सुबह सुबह ट्रेनिंग में आके बैठे हैं, तो वो 4ों लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, यूज करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, प्लान दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर आप मुझे बताओ 4 लेग खड़ी क्यों नहीं हो सकती एक साथ? तो यदि आपको डायमंड की फाउंडेशन तैयार करनी है, तो बस एक ही कसम खा लो, मैं आपको फाउंडेशन तैयार करने का फॉर्मूला बता रहा हूं। आप सिर्फ एक ही काम कर लो, टाइम बोलो कितने दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, इससे ज्यादा मत लो। मैं आपको फाउंडेशन तैयार करके देने के लिए बोल रहा हूं, डायमंड शिप की दिसंबर दिसंबर में आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। अगले 4 दिन में आपको सिर्फ एक कमिटमेंट लेना है, मेरी 4ों लेग से मुझे मेरे लोगों को इस ट्रेनिंग में डालना है, 4ों लेग से, 4 लेग से लोगों को ट्रेनिंग में डालना है। अब आप बोलेंगे सर 4 लेग से क्या, अभी तो मैं अकेला ही आ रहा हूं। हाँ अकेले आ रहे हो, नो प्रॉब्लम, अगले 4 दिन में 4 ज्वाइनिंग करनी है, leg 1, leg 2, leg 3, 4, और 4ों लेग में एक एक बंदे को डाल के उनको ये ट्रेनिंग में लेके आना है। आप बोलोगे सर मेरे तो अभी 2 लेग से तो लोग आ रहे हैं इधर, अभी 2 लेग से नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले 4 दिन में 2 ज्वाइनिंग करो, एक को 3rd लेग में डालो, एक को 4th लेग में डालो। आप बोलते हो सर अभी तो मेरी 1 ही लेग से लोग आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ज्वाइनिंग करो, 3 ज्वाइनिंग को 3ों लेग में डालो।
कहने का मतलब इस जूम हॉल के अंदर आपके साथ आपके चार लोग मिनिमम आने चाहिए, चार लेग से। अब फर्स्ट से ज्यादा आ रहे, सेकंड से ज्यादा आ रहे, थर्ड में फोर्थ में एक एक भी आएगा तो चलेगा, क्यों? फाउंडेशन तैयार हो रही है, ये कमिटमेंट कर लो। अच्छा होगा क्या, आप सुनो ध्यान से, होगा क्या, अब आपने कमिटमेंट किया राघव जी कि अगले चार दिन में मुझे मेरी दो नई ज्वाइनिंग करनी है या तीन नई ज्वाइनिंग करनी है और जो मेरी अदर लेग से मुझे उसमें डालनी है। आज तारीख हुई है 6, मैं बोलता हूं 10 तारीख तक आप लोगों ने ये काम किया, 10 तारीख के बाद में हमारे पास दिन बचेंगे 21, और उन हम 21 दिनों में आपके उन चार लोगों को हम सिस्टम सिखाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग का फेथ देंगे, उन्हें मोटिवेशन देंगे, उन्हें विश्वास देंगे, उन्हें प्लानशोवर बनाएंगे, उन्हें प्लानशोवर बनाएंगे, और इस नवंबर दिसंबर दिसंबर में हम आपकी चारों लेग से उन चार लोगों को हम सब लोग मिलके उन्हें प्लानशोवर बना देंगे। राघव जी जनवरी से, आप अनम्यूट करो राघव जी, मुझे एक बात बताओ, जनवरी से वो चारों लोगों के साथ यदि वर्किंग स्टार्ट होगी तो आप डायमंड शिप की तरफ आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? बिल्कुल सर, इतना काम हो गया तो बिल्कुल 100% हो जाएगा सर। भाई इस महीने में आपके चार प्लान सोवर चारों लेग से बन गए, चारों लेग में एक एक प्लान सोवर बन गया आपका, और जनवरी से हमने उन चारों लोगों के साथ में 1-to-1 हाउस मीटिंग GTS, 1-to-1 हाउस मीटिंग GTS, ये सब कुछ करना चालू किया। तो एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 32, 64, 128, ये जिस तरीके से ये बिजनेस बढ़ता है, ये बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी चारों लेग स्टैंड होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर। अच्छा, अब इसमें मुझे मुश्किल बताओ, क्या लगता है राघव जी चार लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकते? यदि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, भावना मैम बैठी है, भावना मैम बोलती है सर मेरे पास तो अभी तो कोई भी नहीं है, अभी तो मैं अकेली हूँ, तो आप एक चीज सोच के देखो, क्या लगता है भावना मैम चार लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवा सकती है? यदि हम अपनी पे आ जाएं, हम जितने भी लोग यहाँ अपनी पे आ जाएं, मैं एक बात तो जानता हूँ, जितने भी लोग बैठे हुए हम सब यदि अपनी पे आ जाए ना, तो हम अगले चार दिन में चार चार नई ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बस शर्त सिर्फ एक ही है, हम सब लोग अपनी पे आ जाए। अच्छा आप एक बात बताओ, ईमानदारी की बात बताओ, यदि आप अपनी पे आ जाओ तो चार ज्वाइनिंग अगले चार दिन में कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं तो कसम खा के बोल रहा हूं, मैं मेरी पे आ जाऊं ना तो चार नहीं, मैं 10 कर सकता हूं अगले चार दिन में। लेकिन पता है क्या, इंसान अपनी पे आता नहीं है, लेकिन यदि डायमंड बनना है तो हमें अपनी पे आना पड़ेगा। अपनी समझते हो मतलब, बस अपनी पे आके दिखाना है कि सर अगले चार दिन में चार ज्वाइनिंग ले लो। अच्छा, जिसके एक लेग चल रही है उसको तीन ही करनी है, जिसकी दो चल रही है उसको दो ही करनी है, जिसकी एक चल रही है उसको तीन करनी है। लेकिन आप सब लोग मुझे बताओ, यदि आप लोग अपनी अपनी पे आ जाओ तो ईमानदारी से कितनी ज्वाइनिंग, हम चार ज्वाइनिंग नहीं कर सकते? मैं तो बोल रहा हूँ, नया बंदा जिसके नीचे अच्छा कोई ज्वाइन नहीं है ना, वो भी निकल जाए ना, भाई साहब चार लोगों को ज्वाइन करके निकलूंगा, उन चारों लोगों को ट्रेनिंग में डालूंगा इधर, बस इतना काम कर ले अगले चार दिन में। इस दिसंबर दिसंबर में हम आपकी फाउंडेशन तैयार कर देंगे और जनवरी की शुरुआत होगी, आपकी चारों लेग्स खड़ी होना चालू हो जाएगी। और जिसकी चारों लेग्स खड़ी हो गई, अब जिस तरीके का हमने माहौल बनाया हुआ, जिस तरीके का हमने सिस्टम बनाया हुआ, राघव जी एक बंदा क्या लगता है पूरी साल में 5 लाख का धंधा नहीं कर सकता? बहुत इजी है, एक लेग में पूरी साल में 5 लाख का धंधा नहीं हो सकता? आप बताओ, आपके चारों लेग में मिलके 20 लाख का धंधा होगा? नहीं होगा। मैं मिनिमम से मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम। और यदि 20 लाख का धंधा पहली साल में हो गया, चार लेग में 5-5 लाख हो गया, तो आप समझ रहे हो चार लेग में आपके प्लानशोवर्स की टीम खड़ी हो गई, जो अगले दूसरे साल में बिजनेस को कहां लेके जाएगी, फिर अगले साल तीसरी साल कहां ले जाएगी, चौथे साल कहां ले जाएगी और पांचवें साल कहां ले जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब कब आप 5 लाख से 5 करोड़ पे पहुंच गया 5 साल के अंदर। लेकिन वो होगा जब आपके प्लॉट में आप फाउंडेशन तैयार करके डाल दोगे कि ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये लॉबी है, ये मेरी लेग 1, ये लेग 2, ये लेग 3, ये लेग 4।
अगले 5 साल में बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी आपकी डायमंड शिप की। अच्छा अभी एक चीज लिखो, आप अभी लिखो सब लोग, अभी इस जूम हॉल में आपकी लेग 1 से कौन है, लेग 2 से कौन है, लेग 3 से कौन है, लेग 4 से कौन कौन है, चलो सब लोग लिखो चैट बॉक्स में, अभी लिखो, इधर ही लिखो सब लोग लिखो, अभी लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4 से लिखो, और जिसकी ऐसे लिखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। चलो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं आज सुबह से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने वर्चुअल बैकग्राउंड हटा दिया जिससे आपको दिखाई दे आराम से, ये देखिएगा, ये देखिए, मैं स्क्रीन स्पॉटलाइट देता हूँ आपको, एक सेकंड, मैं स्पॉटलाइट देके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ये लीजिएगा, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। राघव जी दिखाई दे रहा है आपको कुछ, पढ़ के बोलो एक बार, सीरियल नंबर, लीडर, लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4, टोटल दिखाई दिया नहीं दिया, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइए अभी के अभी, कॉपी में बनाइए, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिखो, उसके बाद में लीडर, यानी आपका नाम आ गया इधर, फिर लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4, और आपके टोटल कितने लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। अभी लेग 1 में कुछ लोग हैं, लेग 2 में कुछ लोग हैं, लेग 3 में कोई नहीं है तो निल लिख दो, लेग 4 में कोई नहीं है तो निल लिख दो, टोटल कर दो इस ट्रेनिंग में कितने हैं। लेग 1 में एक बंदा है, लेग 2 में कोई बंदा नहीं है, लेग 3 में कोई नहीं है, लेग 4 में कोई नहीं है, सामने लिख दो एक बंदा मेरे ट्रेनिंग में है। अब जितने भी हैं आपके इस फिलहाल इस जूम हॉल में जो अब की स्थिति है, चलो आप अब की स्थिति लिखो, अब की स्थिति लिखो सब लोगों की, मैं भी नोट कर रहा हूं, मैं भी नोट कर रहा हूं, आप लोग भी नोट करिए, अब की स्थिति जो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, हमारे कितने लोग किस लेग से बैठे हुए हैं, चलिए लिखिए सब लोग लिखिए, सबको लिखना है अभी, और ये उनको लिखना है जिनको डायमंड बनना है, जिनको डायमंड नहीं बनना है उनके लिए कुछ भी कंपलसरी नहीं है, वो लिखे तो अच्छा, न लिखे तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन जिनको डायमंड बनना है उनको ये सब लिखिए, अभी लिखते हैं सबका, लिखते हैं, मैं भी लिख रहा हूं आप भी लिखिए, सब लोग लिखिए। लेग 1 में निल है तो निल लिख दो, जीरो मत लिखना प्लीज, जीरो अच्छा नहीं लगता, निल लिखना, निल, उस निल को फिल करना है, निल को करना है फिल, निल को हटाना है वहां से। तो चलिए मैं अभी सभी के लिख रहा हूं, मैं सबका, मैं रिकॉर्ड मैं भी बना रहा हूं डायरी में, अभी जो आप लिखोगे मैं इधर रिकॉर्ड बना रहा हूं सबका, ये मैं सबका रिकॉर्ड बना रहा हूं इधर, मैं भी बना रहा हूं और आप अपना अपना भी बनाइए, तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस साल अपनी डायमंड शिप की फाउंडेशन तैयार करना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं सर हमें डायमंड बनना है, हमें फाउंडेशन तैयार करनी है, तो उनका ये मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा और आपके पास भी रहेगा। आज मैं सुबह से डायमंड शिप की फाउंडेशन ही तैयार करने में लगा हुआ हूँ 4:30-5 बजे से सब लोगों की, तो अब आप भी अपनी अपनी तैयार कर लो, क्योंकि 2023 में यदि हमने डायमंड शिप की फाउंडेशन तैयार कर ली तो सोचो मजा आ जाएगा, फाउंडेशन तैयार करनी है क्योंकि बिना फाउंडेशन के मकान नहीं बनता कभी भी। लेग 1 ये आ गया लीडर का नाम, वन टू थ्री फोर, यस आप लोग लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट से, और मैं नोट कर रहा हूं सबका। यस किस किसने लिखा है लिखो कम से कम, और ये डायरी में लिखना, आप अपनी अपनी डायरी में जरूर लिखना, आपको यहां तो लिख ही रहे हो लेकिन अब डायरी में लिखो, अब पता है क्या होगा इससे, पिक्चर आपके सामने रहेगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे यहां भरनी है, ये जो खाली जगह है वो भरनी है, तो अब आपको खाली जगह अपने पेपर पे दिखाई देनी चाहिए, डायरी में दिखाई देनी चाहिए ये खाली है। देखिए अब जैसे लिखा है क्या क्या लिखा है, सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं, अब तो भैया टेक्नोलॉजी की वजह से कृष्णा जी बहुत आसान हो गया, इतना कहाँ था पहले आसान। लेग 1,
सबसे पहले यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है लेग वन में हारून है, लेग टू में चंद्रसेन है। देखिए यहाँ उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं आपको लेग वन और लेग टू में, जो लोग यहाँ मीटिंग में हैं अभी, क्योंकि जो यहाँ मीटिंग में है हम उसको मान सकते हैं वो सीरियस है, वो करना चाहता है। अभी हम इस मीटिंग के अलावा जो लोग बाहर घूम रहे हैं हम उनके नाम नहीं लिखेंगे। जो मीटिंग में नहीं है वो सीरियस नहीं है, जो मीटिंग में है वो सीरियस है। हम सिर्फ उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर जो यहाँ मीटिंग में है। समझ में आ रही बात? उसी को मानो वो आपकी लेग में है। जो यह मीटिंग में नहीं है वो आपकी लेग में नहीं है, वो है भी तो ठीक है, जो करे अच्छी बात है, लेकिन जो मीटिंग में नहीं है वो सीरियस ही नहीं है। क्योंकि जो सीरियस होता तो फिर मीटिंग में होता ना, सुबह सुबह आप सब हम सब लोग यहाँ पे हैं, तो वो क्यों नहीं है? वो कहीं सो रहा होगा, वहां कुछ और कर रहा होगा, तो मीटिंग में क्यों नहीं है? तो सभी लोगों को सिर्फ उन लोगों के नाम लिखो यहाँ, लेग वन, लेग टू, लेग थ्री, लेग फोर, जो यहाँ पे मीटिंग में है अभी, उन्हीं को मानो। आप यहां से फाउंडेशन तैयार करो, आप यहां से फाउंडेशन तैयार करो जहां पे आप खड़े हुए हो। सब लोग लिखो अपने अपने फटाफट से। देखिए जैसे अजब सिंह फौजी साहब ने यहां पे लिखा है, उनके लेग वन से यहां दो लोग हैं और लेग तीन में कोई नहीं है, निल है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां की बात कर रहे हैं, हम कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे, हमें इधर फाउंडेशन तैयार करनी है, क्योंकि डायमंड शिप की बात इधर हो रही है, तो इधर फाउंडेशन बनानी है हमें। उसके बाद में राजकुमार जी ने लिखा है, मेरी लगभग एक प्रोस्पेक्ट है, दो तीन चार में अभी कोई नहीं है। वेरी गुड। उदयवीर सिंह जी ने लिखा है, लेग तीन निल, लेग फोर निल, फ्रॉम उदयवीर सिंह डीटीसी। फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन है दरोगा जी? इधर इस मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड में कौन है आपकी लेग से? उनके नाम तो लिखो। आपकी फर्स्ट लेग से यहाँ कौन कौन बैठे हैं, सेकंड लेग से कौन बैठे हैं, उनके नाम लिखिए डायरी में। राजकुमार कमलवीर जी ने लिखा है, लेग वन से एक, लेग टू से तीन, लेग थ्री से एक, लेग फोर से नील। उन तीन वो सब लोग ही हैं इधर, नाम से ही बोलो। अभी एक्चुअली टाइम कम है नहीं तो मैं सबके नाम से देखो मैं लिखवाता हूँ, सुनो ध्यान से, मैं अभी अभी करता हूँ क्लियर। नंबर एक, चलिए मैं चालू करता हूँ सबसे पहले कमलवीर जी से। कमलवीर जी अनम्यूट कीजिए फटाफट से, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। कमलवीर सिंह, कमलवीर जी अनम्यूट कीजिए फटाफट से। सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कमलवीर जी आपकी लेग वन जी। से अभी इस मीटिंग में कौन है, नाम बोलो। कमलवीर, लेग वन से बोल रहा हूं कौन है ये बोलो। कमलवीर सर, नहीं कमलवीर को साइड हटाओ, कमलवीर किसी लेग से नहीं है, कमलवीर मालिक है। थ्री टू से निर्मला, उसे कौन है, लेग टू से बोलो। निर्मला जी, एक नंबर एक निर्मला देवी, और संगीता जी, संगीता देवी, एक सेकंड एक सेकंड, नंबर दो संगीता देवी। जी, ओके नेक्स्ट, और अर्जुन सिंह, नंबर तीन अर्जुन सिंह। ओके लेग थ्री से कौन है, रीना लेग थ्री से रानी, रीना रानी है, लेग थ्री से रीना रानी, लेग थ्री से हैं। लेग वन निल है, लेग वन आप जी है, लेग फोर से कौन है, जी लेग फोर में कोई नहीं कौन, है सर, नील है, लेग नील फोर है सर। निल है। अब आपके अब ट्रेनिंग में जो लोग आ रहे हैं यहाँ टोटल चार लोग आ रहे हैं इधर, जी ठीक है। अब बस इसको देखो, जो निल है ना अभी, सबसे पहला आपका एक ही काम है, क्या इस निल को खत्म करना है अगले 2 दिन के अंदर, अगले 3 दिन में, और मैक्स टू मैक्स 4 दिन में। अब आपको अपनी सिर्फ ताकत इस बात में दिखानी है कि अगले 4 दिन में ये जो निल है दोनों साइड में, दोनों निल की जगह पे कम से कम एक एक बंदा मेरा होगा, बस ये टारगेट आपको लेना है। समझ में आ गया? और ये आप कर जी सकते सर, हो, ये आप कर सकते हो। बिल्कुल नेक्स्ट, ये एक हो गए। नंबर दो अजब सिंह फौजी साहब, अनम्यूट कीजिए फौजी साहब। नमस्कार नमस्कार फौजी साहब, लेग वन में इधर कोई है? सर। लेगन में है सर अनिल नाम बोलिए, कुमार और चूड़े नाम का बोलिए, कौशिक, क्या नाम है? डीटीसी अनिल कुमार, अनिल कुमार है इधर नंबर एक। नंबर दो, टीसी चूड़े का कौशिक। नंबर दो इधर सुलेखा कौशिक हैं अभी। हाँ जी ओके, लेग टू में इधर कोई अभी नहीं है, लेग थ्री में कोई नहीं है, लेग फोर में कोई नहीं है अभी, राइट? जी ये सब निल हैं। अब आपको अगले 4 दिन में इधर एक एक ज्वाइन करके, एक एक बंदे को ज्वाइन करो, चाहे कोई पुराना है तो उसको एक्टिव करो,
आपको कुछ भी करो, नए लोगों को ज्वाइन करो, आपको एक एक बंदे को अगली 3 लेग में डालना है अगले 4 दिन में। जी यहां से फाउंडेशन तैयार होगी आपकी डायमंड शिप की, ठीक है। नेक्स्ट, ये दूसरे हो गए अजब सिंह जी, तीसरे आ जाओ। चलिए थर्ड, थर्ड में किसी का ले लेता हूं, कृष्ण मोहन, अनम्यूट करिए कृष्णा जी। हेलो। हाँ कृष्णा जी बोलिए, लेग वन में कौन है इधर? सर हमारे लेग वन में एक राजकुमार जी हैं। लेग वन में इधर राजकुमार हैं आपके अभी, और लेग टू? सर लेग वन में एक अनिल कुमार जी हैं, अच्छा, दो लोग हैं। लेग वन में इधर अनिल कुमार भी हैं, ओके। लेग जी, टू में और लेग टू में भी हैं लोग, बट सर वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं भाई सर, वो तो साहब, हमारे इधर लिए अभी चल रहा अभी अभी इधर कौन है, इधर कौन है? वो जो वो है ही नहीं, जो मीटिंग में नहीं आते वो है ही नहीं, मानो ही मत उनको आप। जी सर। तो अभी सर लेग लेगो लेग टू, लेग थ्री, लेग फोर सर हमारी नील है। नील है, कोई बात नहीं। अब आपको सिर्फ एक ही जी कमिटमेंट करना है, एक ही टारगेट लेना है, क्या? कि मुझे सर एनी हाउ अगले 4 दिन में मेरी इन तीनों लेग में लोगों को लेके आना है, कम से कम एक एक लोग। अब यदि कोई इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करके लेके आओ, यदि किसी दूसरे लेग में आपने बोला सर मेरे पास लोग तो हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, उनमें से समझाओ, बुझाओ, ड्रीम बिल्ड करो, मोटिवेट करो, उनमें से एक को लेके आओ कम से कम। और तीसरी ठीक चौथी लेग में है आपके पास ज्वाइनिंग ही नहीं है अब तक, तो अगले 4 दिन में टारगेट लो कि मुझे हर हालत में 2 लोगों को ज्वाइन करना है, और थर्ड और फोर्थ लेग में डाल के उनको मुझे तो ट्रेनिंग में लेके आना है। ठीक है सर, ठीक है। ये काम आपको करना है अगले, ये 4 दिन के अंदर ये काम कर लिया तो अगले 20-21 दिन में हम लोग क्या करेंगे, उनको तैयार करेंगे, यानी आपके चारों लेग से 4 प्लांट शोवर बन जाएं, और 30 और 31 को उन्हें अलीगढ़ में बुला के प्लांट शोवर का उन्हें फाइनल करके, और 1 जनवरी से उनके साथ चारों लेग पे काम चालू करना है, ठीक ठीक है सर, ठीक है? चलिए गुड। यस, अमित ओके। कुमार जी बरेली से, अमित कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित कुमार जी, कौन कौन लोग हैं इधर आपकी लेग से, लेग वन, लेग टू, लेग थ्री, लेग फोर, नाम के साथ बताइए। सर लेग टू में मेरे जो है वो हैं राम बहादुर जी, राम बहादुर जी, ओके। अच्छा और सर लेग थ्री और लेग फोर मेरे जो है नीले, लेग लेग वन में कौन है वन में सर डीपी यादव सर, इधर है मीटिंग में? नहीं सर मीटिंग में नहीं है सर। निल है। अब आपको क्या करना है, इनको ये लेग्स को फिल करना है। अभी जो निल आ रहा है ना, ये निल नहीं आना चाहिए। अब चाहे बंदा जी सर, ऑलरेडी ज्वाइन है तो उनको समझा के लेके आओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जी डायमंड जी से की आपको फाउंडेशन तैयार करनी है, जगाओ लोगों को, फोन यस करो, सर, मोटिवेट करो, गाइड करो, उन्हें समझाओ, उन्हें विजन दिखाओ, यस सर, उन्हें मीटिंग में बुलाओ, और जो ज्वाइन ही यस नहीं सर, लेग में उस लेग में ज्वाइन करो। अब आपके फर्स्ट लेग में डीपी यादव जी हैं लेकिन आते नहीं है, आज आपकी जिम्मेदारी है उनको मोटिवेट करो, उनकी काउंसलिंग करवाओ, उनको ड्रीम बिल्ड करो, और उनको कल से ट्रेनिंग में बुलाओ। दो सर, लेग बची, तीसरी और चौथी। तीसरी और चौथी के लिए अगले 4 दिन में कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन करना है, और उन दोनों लोगों को यह ट्रेनिंग में डालना है। यस सर, समझ में आ गई कहानी आपको? मेरे पास में अभी एक्चुअली समय कम है, टाइम कंप्लीट हो गया है मीटिंग का, इसलिए मैं ज्यादा वक्त अब आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन यस सर, आप लोगों से सिर्फ इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको चारों लेग्स का रिकॉर्ड रखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे उदयवीर सिंह दरोगा जी और है उनका और बता देता हूँ एक बार। दरोगा जी अनम्यूट कीजिए एक बार। जी सर, आपकी लेग वन से यहाँ पे कौन कौन है? लेग वन से ये हमारे प्रकाश वगैरह, भारती जी, ये इधर सारे मीटिंग लोग में, हैं। अभी मीटिंग में अभी कौन कौन है आपने देखे पेज पलट के आगे पीछे? एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कौन कौन है आपकी टीम से। मुझे भी सर,
अभी कराऊंगा, अभी अभी कराऊंगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पे प्रकाश मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लेग वन से, है ना जी? लेग वन से मुझे अभी प्रकाश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, अभी और कोई दिखाई नहीं दे रहे लेग वन से आपके। हाँ प्रकाश ही दे रहे हैं मुझे भी। और लेग टू से मुझे यहाँ पे शिवराज जी दिखाई दे रहे हैं आपके। जी 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 शिवराज जी हैं लेग टू से, और लेग वन से हैं प्रकाश जी, बाकी आपकी लेग है लेग फोर नेल है। अब आपको क्या करना है, अगले चार दिन में टारगेट लेना है जुनून के साथ कि मुझे एनी हाउ दो नए लोगों को ज्वाइन करना है, और उन दोनों लेगों को मुझे तीसरी और चौथी लेग से इधर ट्रेनिंग में डालना है। बस इतना सा काम करना है, दो लोगों को ज्वाइन करना है, और फिर अब ये जब आ जाएंगे इन चारों के साथ प्लान शोवर बना के 1 जनवरी से इनके साथ बिल्डिंग बनानी चालू करनी है फाउंडेशन। यदि दो लेग से लोग आ सकते हैं तो तीसरी से भी आ सकते हैं, चौथी से भी आ सकते हैं, बस ये काम करना है। तो एक काम करेंगे कल, अभी आप सब लोग नाम के साथ देखिए फोटो खींच लो इसकी, आज की मीटिंग का फोटो ले लो, या आज की मीटिंग का सब लोग फोटो खींच लीजिए अपने अपने लोगों का, आपको पता चल जाएगा, मैं भी फोटो ले रहा हूं, आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आपकी लेग से फर्स्ट लेग से इधर कौन है, सेकंड लेग से कौन है, थर्ड लेग से कौन है, फोर्थ लेग से कौन है, सब लोग फोटो ले लो इधर। देखिए ये मैंने ले लिया इधर सबके, ये मैंने भी फोटो ले लिया, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अभी डायरी में इसी तरीके से बनाइए फॉर्मेट, देखिए मैंने बना दिया ये, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये लीजिए ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, अभी ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है फॉर्मेट, सीरियल नंबर, लेग वन, लेग टू, लेग थ्री, लेग फोर, टोटल, इस तरीके से आपको अपना अपना ये बनाना है। अभी सब लोग अपना अपना बनाइए डायरी के अंदर, और बस एक ही कमिटमेंट ले लीजिए, एक ही टारगेट ले लीजिए कि अगले चार दिन में नील की जगह को भरना है एक आदमी से, और अगले 20-21 दिन में उसको प्लान शोवर बनाना है, और प्लान शोवर बनाने में मदद करने के लिए हम सब लीडर्स आपके साथ हैं। अभी रात को 8 से 9 बजे हमने प्लान शोवर वर्कशॉप चालू किया है, उसमें अभी 3 दिन प्लान शोवर वर्कशॉप रहेगा और 3 दिन रहेगा आपका जो बाकी हमारी ट्रेनिंग होती है शाम को 8 से 9। तो आपके ये जो चार लोग ज्वाइन होंगे, इन चारों लोगों को चारों लेग से इनको प्लान शोवर बनाने का काम करना है हमें ये अगले 20-21 दिन के अंदर। और 21 दिन में एक प्लान शोवर बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप बताओ। एक लेग में एक बंदे को प्लान शोवर बनाना है, चार प्लान शोवर हो गए, आपकी फाउंडेशन तैयार होगी डायमंड शिप के लिए, अगले 5 साल में आप सब डायमंड हो, 100% डायमंड हो आप सारे के सारे अगले 5 साल में, यदि आपने इस तरीके से फाउंडेशन पर काम कर लिया तो। तो चलिए अब मुलाकात होगी आप लोगों से आज शाम को कशी दर्शन में 8 बजे, बाकी हम इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।